Hello everyone, welcome to Rasa International School online classes. In this video we are going to learn general knowledge of class 7th. Topic is Ayurveda, the science of life, page number 42 and 43. Let's start. Ayurveda literally means the science of life. Ayur equal to life, Ved equal to science. It is an ancient medical science which was developed in India thousands of years ago. Ayurveda ka shabdik arth hai jivan ka vigyan. Ayur yani ke jivan, ved yani ke vigyan. Yeh ek prachin chikitsa vigyan hai jo hazaron saal pehle Bharat mein viksit hua tha. Ayurveda developed and evolved into what is it today from several ancient treatises, most notably Atharvaveda, which dates back to 5000 years. Ayurveda kai prachin granthon se aaj ke samay mein viksit hua hai, vishesh roop se Atharvaveda jo 5000 varshon se purana hai. The ancient Vedic literature by sages has clearly laid out instructions to maintain health as well as fighting illness through therapies, massage, herbal medicine, diet control and exercise. Rishiyon dwara prachin Vedic sahitya mein spasht roop se swasthya ko banaye rakhne ke saath saath chikitsa, malish, herbal dawaon, aahar niyantran, vyayam ke madhyam se bimariyon se ladne ke nirdesh diye gaye hain. Ayurveda यानी के आयुर टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ यानी के जन्म से लेकर मृत्यु तक. अब है वेद नॉलेज ऑफ लर्निंग यानी के जो नॉलेज है वो सीखने की वेद सीखना. अब है आयुर्वेद से क्या क्या आया है आयुर्वेद के क्या क्या वो है स्वस्ति व्रतम और अथली और वित्तम. प्रिवेंटिव मीजर्स एंड हेल्थ केयर यानी के उपाय निवारण के उपाय और ये है क्यूरेटिव मीजर्स यानी के स्वास्थ्य देखभाल. यहाँ साइड में जो फोटो है वो है धन्वंतरी द गॉड ऑफ आयुर्वेद यानी के आयुर्वेद के देवता. नेक्स्ट इन क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर आयुर्वेद वॉज कॉल्ड द साइंस ऑफ 8 कंपोनेंट्स अष्टांगा. शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद को 8 घटकों यानी के अष्टांगों में का विज्ञान कहा जाता है. आयुर्वेद स्टेट्स दैट अ बैलेंस ऑफ 3 एलिमेंटल सब्सटेंस द दोषास इक्वल्स हेल्थ व्हाइल देयर इम्बैलेंस इक्वल्स डिजीज. देयर आर 3 दोष वात पित्त एंड कफ. आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 प्राथमिक पदार्थों का संतुलन दोष स्वास्थ्य के बराबर है जबकि उनका असंतुलन बीमारी के बराबर है. 3 जो दोष हैं वो हैं वात पित्त और कफ. अब यहाँ हमें जो दिया गया है वात पित्त और कफ की जो एक टेबल दी है अगर हमारा वात बिगड़ता है इम्बैलेंस होता है तो हमें हेडेक, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नर्वस एंजाइटी, हाइपर सेंसिविटी, इंसोमिया, प्रीमैच्योर एगिन ये होता है. पित्त के बिगड़ने से अल्सर, फीवर, एक्ने, एसिडिटी, एजिटेशन, एंगर, बर्न्स ईजली और कफ के बिगड़ने से रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, वेट गेन, फ्लूइड रिटेंशन, एलर्जीज, मुकोज एंड कंगस्टन. इन आयुर्वेदिक थ्योरी देयर आर 20 क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गुण्स जिन्हें बोलते हैं गुण विच आर इनहेरेंट इन ऑल सब्सटेंस. दे कैन बी अरेंज्ड इन 10 पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स हैवी लाइट कोल्ड हॉट अनक्यूटोज ड्राई डल शार्प स्टेबल मोबाइल सॉफ्ट हार्ड नॉन स्लिमी स्लिमी स्मूथ कोर्स
मिनट ग्रोस एंड विस्कस लिक्विड। आयुर्वेद सिद्धांत में 20 गुण या विशेषताएं हैं जो सभी पदार्थों में अनिहित हैं। उन्हें 10 जोड़ी प्रतिमानों में व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे भारी हल्का, ठंडा गर्म, विनीत सूखा, सुस्त तेज, स्थिर मोबाइल, मुलायम सख्त और कम मतलब गैर पतला पतला, चिकना मोटे, मिनट सकल और चिपचिपा तरल। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स रिगार्ड फिजिकल एंड मेंटल एक्सिस्टेंस एज वेल एज पर्सनैलिटी एज अ यूनिट, ईच एलिमेंट हैविंग द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर्स। वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज टू टेक दिस होलिस्टिक अप्रोच इनटू अकाउंट ड्यूरिंग डायग्नोसिस एंड थेरेपी। फॉलोइंग इज अ टेबल शोइंग द ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर इन आयुर्वेद। आयुर्वेद वैदिक डॉक्टर शारीरिक और मानसिक अस्तित्व के साथ साथ व्यक्तित्व को एक इकाई मानते हैं। प्रत्येक तत्व दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के मूल पहलुओं में से एक निदान और चिकित्सा के दौरान इस समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखना है। आयुर्वेद में उपचार प्रतिक्रियाओं को दर्शाने वाली एक तालिका नीचे। उपकर्मा ट्रीटमेंट यानी कि लंगना डिप्लेटिंग और ब्रह्माना नरिशिंग। उपकर्मा यानी कि उपचार करना, उसमें सबसे पहले लंगना यानी कि निष्कासन और ब्राह्मण मतलब पौष्टिक। निष्कासन करते हैं मतलब गंदी चीज़ों का और पौष्टिक चीज़ें देते हैं। अब जब निष्कासन के बाद जब लेते हैं शोधन प्यूरिफिकेशन यानी कि किसी चीज़ का प्यूरिफिकेशन करना। अब जैसे आपकी बॉडी है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, पहले उसमें से गंदी चीज़ें निकाली जाएंगी और उसमें पौष्टिक चीज़ें डाली जाएंगी। लेकिन जब निष्कासन चलेगा तो उसका पहले प्यूरिफिकेशन होगा और समना यानी कि पेसिफाइंग यानी कि तेजस्वी समाना। अब हम देखते हैं प्यूरिफिकेशन शोधन में बामन एमेसिस, फिर आता है विरेचन, परजेशन, बस्ती एनिमा, नास नाक की दवा, अब है रक्तामोश यानी के रक्त देना, और इधर समान में आता है पहले तो हमारा आता है पचना यानी कि यूजिंग डाइजेशन पाचन का उपयोग करना, फिर दीपाना इंक्रीज डाइजेशन फायर यानी कि पाचन अग्नि को बढ़ाना, फिर आता है शुद्ध यानी कि भूख, व्यायाम एक्सरसाइज, मारुत यानी कि हवा, और अतप्पा सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। इन सब के थ्रू भी होता है। और ये जो शोधन है प्यूरिफिकेशन ये क्या होती हैं, इनमें बहुत तरीके की वो होती हैं, जैसे कि एमेसिस है, परजेशन है, बस्ती है, जो ये क्रियाएं होती हैं ना, नोजल मेडिटेशन है, ब्लड लेटिंग, ये सब हम लोग अपनी जैसे कि रबड़ लेके उससे नोज़ल क्लियर किए जाते हैं, ब्लड दिया जाता है, एनिमा जो होता है उसके थ्रू हमारा जो पेट होता है स्टमक उसे क्लियर किया जाता है, और दूसरी साइड जो है उनमें क्या करते हैं, डाइजेशन बढ़ाया जाता है, जो एसिड होता है हमारे पेट में पाचन के लिए उसे बढ़ाया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, पाचन शक्ति बढ़ाई जाती है, इस थ्रू भी किया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन यूजेज अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कैन बी मेड आइदर ऑफ हर्ब्स ओनली और अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स मेटल्स मिनरल्स और अदर मटेरियल्स इन एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कॉल्ड रस शास्त्र। आयुर्वेदिक चिकित्सा उत्पादों और प्रथाओं की एक किस्म का उपयोग करता है। आयुर्वेदिक उत्पादों को या तो केवल जड़ी बूटियों से बनाया जाता है या जड़ी बूटियों धातुओं खनिजों या अन्य सामग्रियों के संयोजन को एक आयुर्वेदिक मतलब उसमें अभ्यास में कहा जा सकता है, जिसे रसशास्त्र कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स द क्लींजिंग
practice known as panchkarma is a therapeutic way to eliminating toxic elements from the body. Panchkarma includes vaman, virechana, basti, nasya and rakt moksha. Panchkarma is preceded by purva karma, preparatory step, and is followed by paschat karma and pedali karma. कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पंचकर्म के रूप में जाना जाने वाला सफाई अभ्यास शरीर के विषाक्त तत्वों को खत्म करने का एक चिकित्सीय तरीका है. पंचकर्म में वामन, विरेचन, बस्ती, नास्य और रक्तमोक्ष शामिल है. पंचकर्म पूर्व कर्म यानी कि प्रारंभिक कदम द्वारा पीछा किया जाता है और इसके बाद पाष्ट कर्म और पेयादि कर्म किया जाता है. ये मैंने बताया था कि जब विषाक्त शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं ना तब तब हम इस प्यूरिफिकेशन जो शोधन होता है उसका उसको पंचकर्म बोला जाता है. उसके थ्रू हम बॉडी में से वो टॉक्सिक एलिमेंट्स निकालते हैं जैसे वामन, विरेचन, बस्ती, नस्य, इनके थ्रू. ठीक, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.